जैसे ही आप पहुंचोगे इस सफेद सिंहासन के सामने खड़े रहोगे, फिर कहता हूं कोई भी हो, प्रकाशित वाक्य 20:11 यानी कि यह वचन, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन उसको जो उस पर बैठा था देखा। जानते हो अगला वचन क्या कहता है, यानी कि 12 कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें प्लूरल प्लूरल बहुवचन पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक सिंगुलर एक वचन पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। किसके अनुसार? कमान सब लोग बोलिए कामों के अनुसार, कमान मुंह से बोलिए कामों के अनुसार। थैंक यू। पास्टर डैनियल आपने कामों को अंडरलाइन किया है, क्यों? आपको शायद नहीं पता कि प्रकाशित वाक्य 2:5 में क्या लिखा है, सो छेद करके तू कहां से गिरा, मन फिरा पहले के समान काम कर। तो सारा खेल किस पर है रमन साहब? सारा खेल है काम पर। सारा खेल किस पर है अशोक डी के? काम पर। रजनी जी? काम पर। सी, तो यहां पे क्या कहता है, सब पुस्तकें खोली गई, कौन कौन सी? लाखों मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में मनुष्य आदम से लेकर अब तक, उन सब की पुस्तकें खोली गई, लेकिन एक और पुस्तक खोली गई और लिखा है उनके कामों के अनुसार। किसके किसके कामों के अनुसार? विश्वासी अविश्वासी, अमीर या गरीब, किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म का। कैसा लग रहा है अभी तक, रिस्पॉन्स कर दीजिए, थैंक यू। किसी भी वर्ग का आदमी एक दिन सफेद सिंहासन के सामने खड़ा होकर अपने अपने पुस्तकें जब खुलता हुआ देखेगा तो खुदा उसको एक ही चीज पूछेगा, काम कैसे किया, काम कैसे किया, काम कैसे किया। कैन यू बिलीव दिस? कैसे काम किया? तो लिखा है कि उसके कामों के अनुसार उसका न्याय किया जाएगा, क्योंकि यहां पर कहता है कि तेरा काम को चेक कर, पहले के समान काम कर, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दिवट को स्थान से हटा दूंगा। वाह, दूसरा तिमोथी 2:16-18, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, कौन से काम मैं बताने जा रहा हूं, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे, और वचन 17 उनका वचन सड़े घाव की नहीं फैलता जाएगा, ये जो ये कह कर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं, और कितनों को विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। इसका मतलब क्या पता है, मैं रखने जा रहा हूं, आज मसी लोग जरा देख लीजिएगा, आज मसी लोग दो तरह से मसी का काम कर रहे हैं, एक अपनी इच्छा से, दूसरा पिता की इच्छा से। रिपीट करता हूं, एक अपनी इच्छा से, दूसरा पिता की इच्छा से। जो अपनी इच्छा से काम कर रहा है वो कैसे फैल रहे पता, सड़े घाव की तरह, सड़े घाव की तरह। पास्टर डैनियल, फेसबुक पे मैंने देखा, मुझे किसी ने बोला फेसबुक पे मैंने देखा कि एक लेडी से, पंजाब की नाम नहीं लूंगा, दुष्ट आत्माओं से और शैतान से बात करती है। आप लोगों को इशारा मिल गया होगा, दुष्ट आत्माओं से और शैतान से बात करती है, और शैतान को पूछती है कि तू क्या बोलती है, तू क्या कहती है, कौन सा सत्य को प्रकट करती है, कौन सा भेद को प्रकट करती है, क्या नॉनसेंस है। और लिखा है कि ऐसे लोगों की मिनिस्ट्री फेसबुक पे यूट्यूब पे अब संसार के अंदर मसीह जगत में सड़े घाव की तरह फैलती जाएगी, और जिसके चलते मैंने लिखा कि आज मसीह लोग दो तरह से मसीह का काम कर रहे हैं, एक अपनी इच्छा से और दूसरा पिता की इच्छा से। और मुझे खुशी है कि MMB फोटो देख लीजिएगा, मुझे खुशी है कि MMB खरी शिक्षाओं पर, साउंड डॉक्ट्रिन पर काम कर रहा है, और जिसके चलते हम सड़े घाव की तरह नहीं फैलेंगे, हम अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे बल्कि खुदा की मर्जी से काम करेंगे। और वो कौन कौन से काम है जो हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी से काम करें, मैं चाहता हूं कि फोकस करिए। यहां पे लिखा है कि हम अन्य भाषा ब्रैकेट में जिब्रिश पर विश्वास नहीं करते, हम अपनी मर्जी से नहीं पिता की मर्जी से खरी शिक्षा में चलते, दूसरा हम यहूदी बात पर विश्वास नहीं करते, तीसरा हम दशमांश पर जोर नहीं देते, तीसरा हम स्तुति आराधना के नाम पर टाइम पास नहीं करते, हम उसके बाद में हाथ रखकर नीचे नहीं गिराते, हम ढेल पानी नहीं बेचते, हम किसी को आत्मिक पिता नहीं बुलाते, और हम महिलाओं को पास्टर बनने के पक्ष में, हम महिलाओं को पास्टर बनने के पक्ष में हैं, महिलाएं पास्टर बने ये हम चाहते हैं, महिलाएं आगे बढ़े हम ये चाहते हैं, हम वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड को नहीं मानते। इसका मतलब क्या है, उद्धार हो गया पाप का जीवन जियो,
हम नहीं मानते। इन सब की पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा, मेरे साथ बने रहें। इसको ठीक से बाद में रिवाइंड करके देख लेना। आपको पांच बातें पिता की इच्छा पूरी करने से रोक सकती हैं। बस मैं इतना बताकर समाप्ति पे जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद ठीक इंटरनेशनल ग्रुप और पाकिस्तान ग्रुप और ऑनलाइन टीचर्स के ग्रुप के लोगों से बातें करनी है। आपके व्हाट्सएप पे आपको अभी इसके बाद का जो जूम लिंक है वो आ गया होगा, देख लीजिएगा प्लीज। पांच बातें आपको पिता की इच्छा पूरा करने से रोक सकती है। नंबर वन, पाप। नंबर दो, लालच। नंबर तीन, आलस। नंबर चार, डर। और नंबर पांच, अज्ञानता, इग्नोरेंस। ये पांच बातें आपको प्रभु के काम इच्छा को पूरा करने से रोक सकती हैं। थैंक यू लॉर्ड। कैसा लगा? या ये आखिरी एसएसडी का लेसन है, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब वायरल करें, दूसरों तक पहुंचाएं।